सर सेबी ने नया डेटा निकाला एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, बोल रही 1.8 लाख करोड़ ट्रेडर्स ने लूज किए लास्ट 3 इयर्स में। कुछ नया बताओ। पर सर 10 में से 9 ट्रेडर्स लॉस में है और मुझे लगता है ये बात सही है। और ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं इतनी एनालिसिस से ट्रेड करता हूँ फिर भी लॉस हो जाता है। एंड एनालिसिस क्या था? सर मैं ना ओपन इंटरेस्ट देखकर ट्रेड करता हूँ। निफ्टी 25,500 के कॉल पे ना सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे ज्यादा, तो वहाँ से मार्केट गिरेगा और मार्केट उल्टा बढ़ता चला गया। हाँ वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अगर वहाँ ओपन इंटरेस्ट हाई होगा तो वहाँ सेलर्स ही होंगे? सर सोशल मीडिया पे तो सब बोलते हैं कि हाई ओए मतलब वहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। ये सेबी को अपने डेटा में ना इंस्टाग्राम ट्रेडर का भी फिल्टर लगा लेना चाहिए। मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? एक अंडरलाइंग एसेट की डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या नीड होता है? एक बायर और एक सेलर। एग्जैक्टली, तो ओपन इंटरेस्ट इसी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है अभी उसको बताती है। कैसे? सपोज निफ्टी के 26,000 कॉल पर 100 ऑप्शन बायर्स है जिन्हें लगता है कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी और 100 ऑप्शन सेलर्स है जिन्हें लगता है यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगी, तो यहाँ इस कॉल ऑप्शंस पर टोटल 100 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे, तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट हो गया 100। हाँ, और अगर कल को निफ्टी ऊपर जाती है और 50 बायर्स एंड सेलर्स को लगता है कि अपना पोजीशन बुक कर लेना चाहिए तो ओपन इंटरेस्ट 100 से कम होकर 50 रह जाएगा। मतलब ओपन इंटरेस्ट में नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेम ही होते हैं? जी हाँ, वो सिर्फ उस प्राइस के इंटरेस्ट को शो करती है और जहाँ ओआई हाई होता है उसे एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। अब समझा मैं लॉस क्यों कर रहा था। 9 out of 10। ये मत बोलना ये डेटा ना सिर्फ रिटेल कैटेगरीज की है। मतलब आधा सच ना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है।